नमस्कार दोस्तों, मैं रतन लाल यादव और आप देख रहे हैं आर एल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा है एंजाइम्स। एंजाइम क्या चीज़ है, वो कैसे बनता है और कितने तरह का होता है और उसमें क्या क्या चीज़ डलती है, उसकी क्या क्या मात्रा है, उस विषय में सारे बताऊँगा। और वो कितने परसेंट प्लांट के अंदर डाला जाता है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब आपको बता रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, आज हम आपको एंजाइम के बारे में बताते हैं। सबसे पहले आज मैं बना रहा हूँ मीठा एंजाइम, जिसके अंदर मात्रा होती है, देखिए, एक तो ये हमने गुड़ ले रखा है, ये गुड़ है हमारा 100 ग्राम, 100 ग्राम गुड़ है। 300 ग्राम हमने फल ले लिए हैं, ये केला के हैं, केला का फल मीठा होता है इसलिए मीठा बनेगा। 1 लीटर इसमें हमने पानी ले लिया, तो ये रेशियो होगा 1:3:10। जितने भी एंजाइम्स बनते हैं सबका यही रेशियो है, चाहे आप फलों का बनाएं, सब्जियों का बनाएं, या खट्टा नींबू का बनाएं, या कड़वा नीम के पत्ते का बनाएं, या एलोवेरा का बनाएं, सबका रेशियो एक बराबर है। इसमें रेशियो में कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात, रेशियो को प्रॉपर मेंटेन करना। अगर कम बत्ती कोई भी चीज़ हो जाएगी तो एंजाइम्स में फिर कीड़े भी पड़ सकते हैं, कुछ दिक्कतें और भी आती है, तो इस बात का विषय ध्यान रखना दोस्तों। तो इसके अंदर मैं अभी ये 1 लीटर पानी के अंदर मैं आपको देखिए बोतल में ये गुड़ डाल देता हूँ। सौ ग्राम इसके अंदर गुड़ हो जाएगा 1:3:10 का रेशो। ये हमने इसको गुड़ को इसके अंदर डाल दिया है। चाहे तो हम इसको किसी इसी में से थोड़ा पानी निकाल कर किसी भी बर्तन में इसको लिक्विड बना के आराम से डाल सकते हैं। ये हो गया 100 ग्राम गुड़। अब इसके बाद ये है हमारे केले। केले को हम इसके साथ ही ऐसे तोड़ के डाल सकते हैं, पूरे का पूरा ऐसे डाल सकते हैं आप आराम से, चाहे तो आप चाकू से इसको काट सकते हो। जितना पका होगा केला उतना अच्छा होगा, और ये आपको कोई संशय नहीं, छिलका भी इसके अंदर जाना चाहिए। कई बार कमेंट सेक्शन में कई दोस्त पूछते भी कि क्या हमने उसको छिलके को भी डालना है या कोई चीज़, इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल छिलका इसके साथ जाएगा, ये सब इसके अंदर डाल देगा। ये आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, कोई भी किसी भी फल का हम बनाते हैं एंजाइम तो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस जनित कोई बीमारी या कोई गला सड़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा, जो हम अपने खाने के इस्तेमाल कर सकते हैं वही चीज़ इसके अंदर डालनी है। इसके अंदर अपना केले का डाल दिया है। अब इसको हम इस ढक्कन से, इसी के ढक्कन से इसको एयर टाइट कर देंगे, ठीक है जी। इसको एयर टाइट करने के बाद ये इसके अंदर ऑटोमेटिक तीनों चीज़ मिक्स हो जाएगी। आप इसको सावधानी रखना कि जहाँ भी आप दिन भर रहते हैं उसके आसपास इस बोतल को रखना, क्योंकि इसके अंदर अब बनेगी गैस, और गैस बनेगी तो इसको स्टार्टिंग के 2 हफ्ते तक तो इसको डेली निकालना पड़ेगा आपको, कभी कभी तो 2 बार भी होता है, लेकिन ये मीठा है इसमें इतनी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना कि स्टार्टिंग के हफ्ता तक तो दिन में 2 बार भी इसकी गैस निकालना, जैसे ही गैस बनेगी आप ऐसे थोड़ा सा रिलीज़ करना और ऐसे आवाज़ आएगी और तुरंत बंद कर देना। इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए, अगर ऑक्सीजन इसमें चली गई तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे और ये हमारे किसी काम का एंजाइम नहीं रहेगा दोस्तों, ये बिल्कुल सावधानी रखना है, ठीक है। और इसके 90 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, इसकी वह 90 दिन बाद ही ये पूरा कंप्लीट बन जाएगा। फिर हम इसको अपने फलों में, सब्जियों में, फूलों में, किसी भी इस चीज़ में आप डाल सकते हैं। उसका रेशियो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो मीठा है ये हमें पौधों की जड़ों में देना होता है, और अगर इसका रेशियो है मीठे एंजाइम्स का 5% डालना है इसको मिट्टी में, हल्की नमी हो, थोड़ी गुड़ाई किया हो, उसके बाद पानी के साथ इसको 5% से अपने प्लांट में डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टार्ट प्लांट किया है और तो प्लांट कभी भी सोइल से एकदम अपना खाना नहीं बना सकता, इसलिए उसको ऊपर से भी हमें पत्तों पे भी स्प्रे करके इसको उसको ताकत इनको देना पड़ेगा।
पौधा जब भी चलता है तो स्टार्टिंग में उसको ऊपर से भी देना पड़ता है, जैसे जैसे नीचे का खाद वगैरह और ये जो भी डालते हैं एंजाइम वगैरह उसको लेने में उसको टाइम लगता है। ऊपर से हम स्प्रे कर सकते हैं इसकी, और स्प्रे में हम इसको वही लगभग 3-4% आप डाल सकते हैं, पानी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। और स्प्रे का भी टाइम इसका यही शेड्यूल है, 15 दिन बाद आप कर सकते हो, और इसको महीने में आप 2 बार डाल सकते हो। ज़्यादा डल जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक है और अच्छी चीज़ होती है। ज़्यादा रहेगा तो फलों के पौधों के पास ही पड़ा रहेगा, लेकिन पौधे को जितनी ज़रूरत है उतना ही वो लेगा। तो इसलिए हमें इसका रेशो बनाना 5% के हिसाब से अपने प्लांट में डालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसका अपनी मिट्टी को मुलायम करने के लिए और पौधों को अच्छी ग्रोथ देने के लिए इसका यूज़ करते हैं, और आप यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, बिल्कुल हरे कच्छ पत्ते होंगे, फल फूल इतने बेहतरीन आएंगे कि आप अचंभे करेंगे कि यार इतनी अच्छी चीज़ ये है। दूसरी बात ये है मीठा एंजाइम, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी तरह सेम इसी रेशो में हम खट्टा जैव रसायन बनाएंगे, खट्टा एंजाइम। खट्टा एंजाइम में हम आपको नींबू का बना सकते हैं, आंवले का बना सकते हैं, ऐसी चीज़ों का बना लीजिए, उसको भी बना के खट्टा जो एंजाइम होता है वे प्लांट में फूल आने के लिए और फूलों को फल में तब्दील करने के लिए ही खट्टा एंजाइम का स्प्रे किया जाता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे फूल जो है ड्रॉप हो जाते हैं, फल जो है बनते हैं ड्रॉप हो जाते हैं, तो उसकी समस्या को ये जो हमारा खट्टे वाला जो एंजाइम है वो उस समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। और उसकी रेशियो हमें लगभग 3% भी नहीं, 3 ml/L, इसमें ml से चलेगा, 3 ml/L करके इसको स्प्रे कर देंगे फूल आने से पहले, तो आपकी फसल को में जो फूल आने का जो समय है, आपके पड़ोसी का या उसके साथ वाले का समय है, उससे आपके 15 दिन पहले आपके फ्लावर भी आएंगे और फ्रूट भी बनेंगे। औरों से आप 15 दिन एडवांस चलोगे, एडवांस में आपको अपनी प्लांट से हार्वेस्टिंग मिलेगी और बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। इसके बाद तीसरा होता है कि जो कड़वा एंजाइम किसका होता है, हम बनाते हैं एलोवेरा का, नीम की पत्तियों का, तो इन ये हमारे काम आता है। कोई भी अपनी प्लांट के ऊपर पेस्ट आते हैं तो उनको ख़त्म करने के लिए कड़वा बनाते हैं, तो कड़वे की रेशो होती 1 लीटर पानी में 2 या 3 ml से ज़्यादा नहीं मिलाना है, नहीं तो पत्तों को जला देगा। तो दोस्तों ये तीनों के बारे में मैंने आपको बताया है। मीठा जो एंजाइम है वो 5% से डालना होता है, और खट्टा जो होता है वो 5 ml/L, और कड़वा है वो 3 ml/L। ये रेशियो आप रखना तो आपको किसी भी प्लांट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेस्ट कंट्रोल का बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है ये। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को आप इस्तेमाल करें और आपकी फसल इतनी बेहतरीन होगी, इतने प्लांट बहुत अच्छे होंगे। और मैंने बहुत ही अपने एंजाइम्स भी बना रखे हैं, आपको दिखाऊंगा मैं, 20-20 लीटर 25 लीटर के मैंने एंजाइम्स बना रखे हैं, वो आपको दोस्तों अभी दिखाता हूं, एक बार आप आइए मेरे साथ। तो दोस्तों ये देखिए मैंने अपने एंजाइम्स बना रखे काफ़ी, और ये आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये सबसे पहले यहाँ देखिए, ये है पपीते का होता है मीठा जैव रसायन, मीठा एंजाइम ये हो गया। ये 25 लीटर का ड्रम है, इसके अंदर मैं 20 लीटर तैयार कर लिया। ये मेरा बेल पत्थर का है, मैंने अपने टमाटर और बैंगन में इसको डाल के आपको दिखाया भी था और बहुत अच्छे रिजल्ट है, चाहो तो आपको वो भी दिखाऊंगा आज मैं। ये मैंने सब बना के रखे हुए लगभग फरवरी में, और ये मेरे पास है इसके अंदर, ये है आंवले का होता खट्टा, और ये है एलोवेरा का, ये होता कड़वा। ये सब फरवरी में बना लिए थे मैंने, अभी इनको काफ़ी दिन हो गए, ये 90 दिन में पूरे कंप्लीट हो गए थे, लेकिन हमारा तो काफ़ी टाइम होगा और अच्छे से चलेंगे। इसके बाद मैंने ये बनाया था मिर्ची का, और हरी मिर्च और लहसुन, ये हमारे जो मेली बग वगैरह लगते हैं या कोई ऐसा पेस्ट लगता है जो कि किसी कारण से जाता नहीं है, तो ये उसमें डाल देते हैं। तो ये है मेरा संतरा का, ये संतरा का मीठा, ये मैंने 2-2 लीटर की मैं अलग से बना रखा हुआ है। ये मेरे है अंगूर का, एक ये रहा एक ये रहा, ये दोस्तों ये दोनों अंगूर के बना रखे हैं। अंगूर में बहुत ज़्यादा जो है आयरन होता है, आयरन अगर हमारे प्लांट में पूरा होगा तो कभी भी हमारे प्लांट में इल्ली नहीं आएगी, उसका ये फायदा है। ये हमने नींबू का बना रखा है,
जिस प्लांट में फल नहीं आते, फूल नहीं आते, उस पर ये स्प्रे आप 3% का 4% का कर दीजिए, आपके तुरंत फल आने फूल आएंगे, ड्रॉप भी नहीं होगा, फल भी अच्छे बनेंगे। ये इसलिए होता है। ये अंगूर का बना रखा है मैंने, तो अंगूर का मीठे में आता है, उसका भी वही रेशो 5% के दर से डालते हैं। कुछ मैंने अपने ये छाछ द्रव्य रसायन बना रखे, इसका भी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा अलग से, इसके बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, मैंने एंजाइम्स के बारे में आपको सारे जानकारी दी है। इसके एक स्पेशल आपको बताता हूँ कि इसको कभी भी धूप में नहीं रखना, हमेशा इसको छांव में रखना है, क्योंकि इसमें जीवाणु होते हैं, तो उनको अगर धूप लगेगी तो वो जीवाणु नष्ट हो जाएंगे, तो हमारे प्लांट को इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको विशेष ध्यान रखना है, छाया में रखना है, रेशो अपना बराबर जो मैंने 1:3:10 का रेशो बनाया उस पर पूरा ध्यान रखना। आप इस तरह डेट जरूर डालना जिससे आपको पता रहेगी कि अभी मेरे इसको 90 दिन हो गए, तो वो आपको पता चल जाएगा। जब भी आप एंजाइम्स बनाते हैं तो ये एक बात को बिल्कुल ध्यान रखना, पक्का लिखना है। दूसरा एक मैं दोबारा आपको फिर बताता हूँ कि जब भी इसको खोलेंगे तो थोड़ा सा प्रेशर आपका हाथ का होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा प्रेशर इसमें गैस बन गई तो ये आपको ऊपर फेंक देगा और पूरा मेटल बाहर निकल जाएगा, आपने मुंह पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को विशेष सावधान रखना कि इसके अच्छे से टाइट करके ही रखना, हवा नहीं जानी चाहिए ऑक्सीजन, और जब भी खोलना है तो आराम से इसको खोलना, ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर दबा के रखना, और जैसे ही इसमें से आवाज़ निकलेगी गैस की, और तुरंत इसको ऐसे बंद कर दीजिए। ये लीजिए दोस्तों, एक सावधानी आपको और रखना है कि ये बोतल हमेशा प्लास्टिक की ही लेना, कांच की या मेटल की नहीं लेना, क्योंकि इसमें गैस बनती है, तो जैसे गैस बनती है तो कांच की बोतल में प्रेशर से फट सकती है, कोई नुकसान हो सकता है, और मेटल में जब इसका फर्मेंटेशन होगा तो मेटल के भी इसके रासायनिक क्रिया होने से इसमें गड़बड़ हो सकती है। इतनी जगह हमेशा खाली रखना है, क्योंकि गैस बनने से इतनी जगह मिल जाएगी तो गैस इसको फाड़ेगी नहीं, तो अगर हम पूरा भर देंगे तो गैस बनी और फट जाएगी, तो हमारा बनाने का नुकसान पूरा हो जाएगा। ये सावधानी ज़रूर रखना। आप डालिए बेफिक्र होके, जो रेशियो बताया उसके हिसाब से आपकी फसल में कोई कमी नहीं रहेगी, किसी तरह का पेस्ट अटैक, कोई इल्ली अटैक या कोई फंगस या कोई भी चीज़ आपको ऐसी परेशान नहीं करेगी। तो दोस्तों, आज ये जानकारी एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको सब तरह से बता दिया है। इसमें कोई भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे दे सकते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो मेरा आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि हमारी कोई भी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँचे। और मिलते हैं दोस्तों नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।